सरकार ने एक ऐसा खेल चलाया है कि अगर आप उनकी बात आराम से मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप पे ईडी का प्रेशर डाला जाएगा, सीबीआई का प्रेशर डाला जाएगा, स्थानीय नेताओं का गुंडागर्दी का प्रेशर डाला जाएगा, आपके परिवार को खतरा बताया जाएगा, सुबह आप वॉक करते हुए भी डरेंगे। तो इस प्रकार का डर जो है वो लोगों के मन में बैठाया जा रहा है। मोदी जी का असली परिवार जो है वो बलात्कारियों का परिवार है, भ्रष्टाचारियों का परिवार है, क्योंकि अगर नीतू सिंह जैसी पढ़ी लिखी लड़की जो है उनका परिवार होती तो उनके साथ कभी नहीं करते। अगर किसान उनका परिवार होते तो किसानों की छाती पर गोली कभी ना चलाते। उनका परिवार केवल और केवल बलात्कारियों का है। ब्रजभूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, तमाम उनके जो है बलात्कारी सांसद उनके और बलात्कारी मंत्री उनका परिवार। सीबीआई हटा दीजिए, ईडी हटा दीजिए, सीबीआई हटा दीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग हटा दीजिए, पैसा हटा दीजिए और 40 पार करके दिखा दीजिए, हम तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री जी केवल अपना और अपने दो मित्रों का विकास करना जानते हैं, केवल उनके, क्योंकि चूंकि पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का शायद उनको महत्व भी इतना पता नहीं है। एसबीआई जो है पूरी तरह से इस समय जो है भाजपा की उंगलियों पर नाच रही है और ये बड़े विडंबना की बात है कि एसबीआई जैसा बैंक जिसके एक बटन के एक क्लिक पे सारा डाटा जो है वो आ जाना चाहिए, वो ये कहता है कि हमें 136 दिन चाहिए डाटा देने। इस सरकार किसी भी प्रकार के लोकतंत्र की जो भी निशानियां होती हैं उनको पूरी तरह से मिटाने पर तुली हुई है। ये तानाशाही गवर्नमेंट है और फांसीवादी तरीके से काम कर रही है और पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम कर रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी केवल अपना और अपने दो मित्रों का विकास करना जानते हैं, केवल उन्हीं के, क्योंकि चूंकि पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का शायद उनको महत्व भी इतना पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि गांव देहात से जब एक लड़की कितना संघर्ष करके स्कूल कॉलेजों में पढ़ के और टॉप करके यहाँ तक पहुँचती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बड़े बड़े जो है भारती जो है उनका सपना होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनती है और उनके साथ इस तरह से जातिगत भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और जब वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती है तो उनको आवाज़ भी नहीं उठाने दी जाती। जिस तरीके ये मोदी मॉडल है, ये भाजपा मॉडल है। दिल्ली में आंदोलन नहीं किए जा रहे हैं, अब देखिए धारा 144 लगा दी गई है, कोई भी आता डिटेन कर लिया जाता है। देखिए सरकार जब से आई है, जब से आप बताइए कौन सा आंदोलन जो है वो करने दिया गया। किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ पे जो है किसानों 700 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे, उनको दिल्ली नहीं घुसने दिया गया। फिर से वो आए दिल्ली, फिर से नहीं घुसने दिया गया। स्टूडेंट्स जो है वो जंतर मंतर पर तक भी उनको आने नहीं दिया जाता। तो ये सरकार किसी भी प्रकार के लोकतंत्र की जो भी निशानियां होती हैं उनको पूरी तरह से मिटाने पर तुली हुई है। फिर भी नारा 400 पार का है ना, देखिए 400 पार पे तो बीजेपी लड़ भी नहीं रही है, तो नारा किस प्रकार से दिया हमें ये, हम तो नहीं गठबंधन, गठबंधन में किसको पूछते हैं मोदी जी, खुद के नेताओं को तो पूछते नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज जिनके नेता है उनको तो साइडलाइन कर दिया, तो कहाँ गठबंधन को पूछते होंगे। और अपनी बात करें ना, अपनी बात करें, हम कहते हैं कि ईडी हटा दीजिए, सीबीआई हटा दीजिए और जो आपका पैसा का डंडा है वो हटा दीजिए और फिर लेके आइए, अब 40 पार करके दिखाइए, हम जानते हैं। देखिए एसबीआई जो है पूरी तरह से इस समय जो है भाजपा की उंगलियों पर नाच रही है और ये बड़े विडंबना की बात है कि एसबीआई जैसा बैंक जिसके एक बटन के एक क्लिक पे सारा डाटा जो है वो आ जाना चाहिए, वो ये कहता है कि हमें 136 दिन चाहिए डाटा देने। ये पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने की साजिश है, क्योंकि सामने चुनाव है और जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया जाता है तो ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम एसबीआई और भाजपा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवमानना करने का काम जो है ये भाजपा और एसबीआई का हुआ है। क्या चुनावी चंदे में देखिए, आप ये सोचिए कि इस तरह से ही तो हर जिले में कार्यालय जो है भव्य कार्यालय नहीं बन जाते। आप एक कोठड़ी बना के देखिए, एक कमरा बना के देखिए, देखिए आपको कितने आपको पसीने आ जाएंगे। उन्होंने पूरे जो है जिलों में, देश में जितने भी जिले हैं, अपने भव्य महल बनाए। दिल्ली में 5-स्टार होटल हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है? और उस पैसे के बदले जो इलेक्टोरल बोर्ड में जो पैसा लिया गया उसके बदले देश के क्या एसेट्स बेचे गए, इसकी जानकारी देनी चाहिए। और आरटीआई, इसमें एक चीज और मैं इसमें कोट करना चाहूंगी कि केवल सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की अवहेलना नहीं है, ये आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया उस एक्ट की भी अवहेलना है और उस एक्ट को जो है पूरी तरह से धराशायी बताने का काम जो है भाजपा कर रही है। अब तो कहा जा रहा है पीएम केयर फंड का भी अब हिसाब होना चाहिए, उसकी भी जानकारी मिलनी चाहिए सबको। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये तानाशाही गवर्नमेंट है और फांसीवादी तरीके से काम कर रही है और पूरी तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारा जो देश है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता था और आज
लोकतंत्र के नाम पे पूरी दुनिया में हमारे देश को कलंकित करने का काम जो है भाजपा और मोदी सरकार, कांग्रेस के नेता। देखिए सांसदों को एक एक ये आपको जानने की जरूरत है कि इस लोकतंत्र में इस सरकार ने एक ऐसा खेल चलाया है कि अगर आप उनकी बात आराम से मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप पे ईडी का प्रेशर डाला जाएगा, सीबीआई का प्रेशर डाला जाएगा, स्थानीय नेताओं का गुंडागर्दी का प्रेशर डाला जाएगा, आपके परिवार को खतरा बताया जाएगा, सुबह आप वॉक करते हुए भी डरेंगे। तो इस प्रकार का डर जो है वो लोगों के मन में बैठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि जितने भी लोग जो है अगर किसी ने कोई पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी है उनमें इन सब फैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। मोदी जी परिवार बता रहे हैं, पूरे परिवार पोस्टर छापे गए हैं दिल्ली में। देखिए मोदी जी का असली परिवार जो है वो बलात्कारियों का परिवार है, भ्रष्टाचारियों का परिवार है, क्योंकि अगर रितु सिंह जैसी पढ़ी लिखी लड़की जो है उनका परिवार होती तो वो उनके साथ कभी नहीं करते, अगर किसान उनका परिवार होते तो किसानों की छाती पे गोली कभी ना चलाते, अगर उनके युवा उनका परिवार होते तो युवाओं बेरोजगार युवाओं पे लाठी ना चलवाते, पेपर लीक ना करवाते। तो उनका परिवार केवल और केवल बलात्कारियों का है। ब्रजभूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, तमाम उनके जो जो है बलात्कारी सांसद उनके और बलात्कारी मंत्री उनका परिवार और वो लिखते भी है कि मैं मोदी का परिवार। तो क्या लग रहा है 400 पार हो जाएंगे इस बार? मैंने तो पहले ही बोला कि 400 सीट पे तो भाजपा लड़ भी नहीं रही है तो दावा कहां से ठोक दिया। और दूसरी बात, आप पीवीएम हटा दीजिए, ईडी हटा दीजिए, सीबीआई हटा दीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग हटा दीजिए, पैसा हटा दीजिए और 40 पार करके दिखा दीजिए, हम तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। 19 में कहा था 300 पार तो पूरा हुआ था वादा उनका। देखिए किस प्रकार से पूरा हुआ था ये भी आप जान लीजिए कि किस पूरी जो है पूरा सिस्टम लगा दिया जाता है, चुनाव आयोग तक इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो क्यों ना आएंगे 300 पार? ईमानदारी से लड़के दिखाइए जो आपने अपने पद की गरिमा भूल गए कहीं। देखिए चलता ही है, देखिए जब से वो प्रधानमंत्री पद पर आए हैं तब से उन्होंने ना तो कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पालन किया, ना ही उनके किसी मंत्री ने अपने पद की गरिमा का पालन किया। उन्होंने संसद की गरिमा को तार तार किया, संविधान को तार तार किया, लोकतंत्र को तो बिल्कुल उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया। इसमें मैं आपको बताऊं कि हम गिरफ्तार करवाने वाले कोई नहीं होते, हम जो है किसी भी संस्था के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये जो सजा देना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, और कोर्ट को हमने कभी अपना काम करने से ना रोका, ना उनको किसी चीज के लिए दबाव डाला। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है उनको गिरफ्तार करना या नहीं करना। लेकिन इस सरकार में पूरी तरह से हर तरीके से हर विभाग को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और जो है भाजपा का जो है विभाग बना दिया जा रहा है। मंत्री जी कार्ड क्या है इस बार, बड़ा वोट मिलेगा बीजेपी को? देखिए वोट बीजेपी को आप बताइए कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लाखों युवा जो है वो सड़कों पर आए हुए हैं, लाखों किसान सड़कों पर आए हुए हैं, आप ओपीएस वालों को देख लीजिए रामलीला मैदान भरा हुआ है, तो कौन लोग हैं वो जो भाजपा को वोट दे।